नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो छोटी है बट काम की वीडियो है। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, आपका भी पीएफ का जो है पैसा आपकी सैलरी से कट रहा है, अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूं जो आपके काफी काम आएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर क्यों निकलना जब आपको अजियो पर जो है 50% से लेकर 80% तक का ऑफ मिल रहा है। यहां पर आपको 3,500 से भी ज्यादा स्टाइलिश कपड़े मिलेंगे और 2,000 से भी ज्यादा ब्रांड में से जो है आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है आप 10% जो है कैशबैक कमा सकते हो, और जो कैशबैक आप कमाएंगे सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर उसको कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कैश करो का, उस मेरे जो है लिंक पर आपको जाना है और वहां पर जो है साइन अप कर लेना है। और जैसे ही आप साइन अप रजिस्टर करेंगे तो आपको 25 रुपए का जो है बोनस मिल जाएगा, और ये जो 25 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा इसको भी जो है आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है 1500 से ज्यादा रिटेलर मिलते हैं। यहाँ पर आप जो है शॉपिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक शॉप करके जो है पैसे कमा सकते हो। उसके बाद जो है आपको सर्च बॉक्स में जाके एजियो सर्च करना है, देन ऑरेंज बटन दबाकर जो डील आपको पसंद लगे उस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। इसके साथ साथ जैसे ही आप विजिट रिटेलर को बटन दबाएंगे आपको कैश करो एजियो पर खुद लेके जाएगा, और देन आप आराम से एजियो से जो है शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपकी शॉपिंग खत्म हो जाएगी, कैश करो का जो माई अर्निंग का जो ऑप्शन है वहां पर जाकर आप देखेंगे तो आपको जो 10% जो कैशबैक है वो आपको यहां पे मिल जाएगा, और जो कैशबैक आपको मिला है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहां पे आप देख सकते हो मुझे मेरा जो है कैशबैक मिल गया है। तो दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरा जो है 10% जो है कैशबैक कमाओ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने कैश करो का लिंक दिया है उस लिंक पर जाकर। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सितंबर में ईपीएफओ की सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हुई थी, और वहां पर फाइनली डिसीजन लिया था कि हम जो है वित्त वर्ष 2019 और 2020 के लिए 8.50 की दर से जो है ब्याज देंगे यानी कि इंटरेस्ट देंगे। और अब जो है अक्टूबर महीना शुरू हो गया है, उस ईपीएफओ की सीबीटी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि जो ब्याज का पैसा हम देंगे यानी कि इंटरेस्ट का पैसा जो क्रेडिट होगा वो अब की बार जो है दो किस्तों में होगा। अक्टूबर महीने में जो है 8.15% की दर से दे दिया जाएगा, और जो बचा 0.35 वो जो है दिसंबर महीने में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जो है अब अक्टूबर महीना शुरू हो गया है और काफी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पीएफ अकाउंट में जो है ब्याज का पैसा क्रेडिट भी हो गया होगा, और आने वाले टाइम में अगर नहीं हुआ आपके पीएफ अकाउंट में क्रेडिट तो आने वाले कुछ दिन में जो है क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे काफी सारे भाइयों के जो है मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ये भी जो है उनके मन में डाउट आ रहा होगा। मेरे को काफी सारे कमेंट भी मिल रहे थे इंस्टाग्राम, जो मेरी आईडी आई प्रदीप शर्मा, वहां पर भी जो है मेरे को मैसेज मिल रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई जो ईपीएफओ इंटरेस्ट का पैसा देगा यानी कि ब्याज का पैसा देगा वो हमारा कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर, पेंशन अंशदान यानी कि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, इन तीनों पर देगा या फिर किस पर देता है। काफी सारे भाइयों के जो है मन में ये डाउट था, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है अपनी पासबुक ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो आपका पीएफ का जो पैसा रहता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है यानी कि ईपीएफओ उस पर ब्याज देता है यानी कि इंटरेस्ट देता है, वो सिर्फ इस दो अमाउंट पे देता है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर। ये दोनों टोटल कितनी होती है उस पर जो है आपको पीएफ का जो ब्याज का जो पैसा रहता है वो मिलता है यानी कि इंटरेस्ट मिलता है। ये जो पेंशन अंशदान रहता है यानी कि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का ये जो पैसा रहता है, ये जो अमाउंट रहती है, इस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता। तो आपको सिंपल जो भी ब्याज मिलता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, इन दोनों अमाउंट में मिलता है, कर्मचारी शेयर पर और नियोक्ता शेयर पर। पेंशन अंशदान में, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में कोई भी जो है ब्याज आपको नहीं मिलता, कोई भी इंटरेस्ट का पैसा जो है ऐड नहीं होता। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं और आपका पीएफ का पैसा जो है ईपीएफओ में जमा हो रहा है यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा हो रहा है, या फिर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं कि जो कि छूट प्राप्त संस्था है यानी कि उनका अपना खुद का पीएफ ट्रस्ट है, तो ईपीएफओ फाइनेंशियल ईयर के लिए जो ब्याज डिसाइड करता है, जो इंटरेस्ट डिसाइड करता है, वो दोनों यानी कि छूट प्राप्त जो संस्था है जिनका खुद का पीएफ ट्रस्ट है और जो ईपीएफओ के जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं दोनों के लिए सेम रहता है। यानी कि ईपीएफओ ने जो फाइनेंशियल ईयर के लिए ब्याज डिसाइड किया है यानी कि इंटरेस्ट डिसाइड किया है कि इतनी प्रतिशत की दर से हम देंगे,
तो ईपीएफओ के जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं उनको भी उसी की दर से मिलेगा। और अगर आप किसी ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि छूट प्राप्त संस्था है ईपीएफओ की तरफ से, या फिर उनका अपना खुद का पीएफ ट्रस्ट है, तो उनको भी जो है सेम ही मिलता है। जो ब्याज का जो पैसा रहता है उस पर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, काफी सारे मेरे को कमेंट मिल रहे थे। आशा करता हूँ ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ इस तरह की एक और हेल्पफुल नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।